एक्सरसाइज हमारी कौन सी स्टार्ट हो रही है बच्चों? 7.5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका? एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव, इसको इंटीग्रेट करना है आपको बच्चों। इसको हम करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेनली यूज करेंगे, जो मैंने आपको अभी भी सिखाया है कि पार्शियल किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल के पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास x अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू अभी ठीक करो इसको, एक्स प्लस टू है यहां पर, नहीं ये तीन नंबर में आएगा। इसको लिखेंगे a अपॉन, देखो ये कैसे फैक्टर है, दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x प्लस टू। तो ऐसे फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन आप अभी बना के आए हो, बताओ जरा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, समझ आया आपको? ठीक है, निकालो जरा ए बी सी की वैल्यू। x इज इक्वल टू, यहां से x का ऑप्शन क्या आएगा? a, यहां से x का ऑप्शन क्या आएगा? b, तो x को कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा a प्लस बी, प्लस यहां से क्या आएगा? 2a प्लस यहां से b, तो a प्लस बी क्या आ गया? वन, तो 2a प्लस बी क्या आ गया? जीरो। राइट साइड में कांस्टेंट टर्म 2a प्लस बी है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? जीरो है, तो जीरो हो गया। सो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहां से वन माइनस ए, इसमें डाल दो, वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बचेगा हमारे पास? वन ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन माइनस वन। चेक करो, एक आध कोई मिस्टेक हो जाती है वो ध्यान रखा करो, पिछली बार पिछले वीडियो में किसी ने बताया नहीं, पूरा क्वेश्चन तुमने गलत रिकॉर्ड करवा दिया। वो माइनस एक्स स्क्वायर था, कॉमन लिया था, माइनस एक्स स्क्वायर था, तो तुमने पहले गलत लिखा हुआ था, माइनस फोर एक्स। चलो देखो क्या आया बच्चों, ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, ठीक निकाली है ना हमने, गलत तो नहीं है ना? ए को माइनस वन यहाँ डालोगे तो बी क्या हो जाएगा? बी टू। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ, एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इस फ्रैक्शन को पार्शियली हम क्या लिखेंगे? माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, यहां से देखो यहां पर वैल्यू डालनी है आपको, वन ओवर एक्स प्लस टू। और बच्चों लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन राइट इंटीग्रेशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, टू है, बी की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू टू डालो यहां पर। अच्छा आप बताओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, क्योंकि मान लो ऐसा हो टू इंटू वन बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टू लॉग एक्स, तो वो टर्म भी तो ऐसे ही है, लीनियर टर्म है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, समझे? आगे बताओ जरा, माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ? लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस, ये प्रॉपर्टी सबको याद है ना लॉग की? लॉग एम माइनस, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम लॉग एम डिवाइडेड बाई एन, और लॉग ऑफ एन लॉग एन क्या होता है? लॉग एम टू द पावर एन। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी बची उसको भी लिख ही लेते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम इंटू एन, ठीक है, पता है सभी को? तो इन तीन प्रॉपर्टीज का हम यहां पर काफी यूज करेंगे, ठीक है, इनको लिख भी लो आप।
ठीक है। चलो आगे, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आंसर आएगा। इस वाले में साउंड बंदी है ना थोड़ी सी, इस वाले में आवाज थोड़ी बेकार होगी वीडियो में, वैसे थोड़ी आवाज अच्छी नहीं है उसमें। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर टू करें। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई हमारा ये इंटीग्रल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, बनाओ इसके पार्शियल फ्रैक्शन। वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस थ्री और बी ओवर एक्स प्लस थ्री। फाइंड करो ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आई है बताओ, ए की वैल्यू क्या आई है? वन बाय सिक्स। बी की वैल्यू बताओ? माइनस वन बाय सिक्स। ठीक है तो डाल दें यहां पर, ए क्या बनेगा बताओ? वन बाय सिक्स एक्स माइनस थ्री। ठीक है बी क्या है? सही ठीक से निकाला है ना तुमने, दिस। बाकी किसी की, बाकियों की वैल्यू क्या आई है? बाकी वैल्यू अपनी वैल्यू बताओ ए और बी की, सही आई है? ठीक है तो ये क्या हो जाएगा? वन बाय सिक्स तो बाहर, वन अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री मोड, ठीक है, प्लस वन बाय सिक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री मोड प्लस में सी, और फिर क्या करेंगे? वन बाय सिक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा? लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री मोड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री मोड प्लस सी, दिस इज वन बाय सिक्स लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एक माइनस वन बाय सिक्स था, एक माइनस था, माइनस कौन सा था? पहले वाला प्लस थ्री वाला, बी, बी के साथ माइनस था, बी के साथ माइनस था, यहाँ बीच में क्या आएगा भाई? माइनस। ये लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन, दिस प्लस में ये आंसर आएगा। ठीक है चलो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।